तो अभी तक हमने जितने मोशन अंडर ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट पर हम न्यूमेरिकल अब सॉल्व करेंगे। ये बेसिक न्यूमेरिकल है जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, और सारे फॉर्मूले का, सारे कॉन्सेप्ट का एक बार रिविज़न भी आपको देंगे। तो एक भी न्यूमेरिकल आपको मिस नहीं करना है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, अ पार्टिकल thrown vertically upward from the ground with some velocity and it strike the ground again in time 2s, the maximum height achieved by the particle is. Okay, तो यहाँ पर हमें time given है, अगर हमने किसी body को vertically upward throw किया तो वो एक maximum height पर पहुँचेगा, फिर नीचे आ जाएगा। Okay, तो उन्होंने कहा है कि upward from the ground it strike to the ground again time 2 seconds, तो हम यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला लगाएंगे और वो होता है 2u/g, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये कितना है 2 सेकेंड। तो यहाँ से u का वैल्यू, अगर g का वैल्यू हम 10 लेते हैं तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो रहा है, u इज इक्वल टू 10 m/s। अब हमें मैक्सिमम हाइट अटेन फाइंड करना है, तो h का फार्मूला फिर से हमारे पास में होता है u² / 2g, इसलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप सारे फार्मूलों को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। तो h इक्वल टू u का वैल्यू 10 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और 10 का वैल्यू कितना पुट करना है, g का वैल्यू 10 पुट करना है, सो इट इज़ एक 10 से एक 10 कैंसिल, 10/2 दैट इज इक्वल टू 5 m। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में आंसर आता है d, 5 m।